हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीड टुडे। आज हम 2024 महिंद्रा थार रॉक्स की सबसे बड़ी 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। थार रॉक्स के अंदर में काफी सारे बढ़िया फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इस कार के अंदर अभी भी ऐसी 5 मिस्टेक्स देखने के लिए मिलती हैं जिससे कि ये कार इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं बन पाती है। तो इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों की बात करेंगे, बाकी इसी के साथ हम थार रॉक्स के प्राइसेस के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मिस्टेक की बात करें तो ये होगी कीलेस एंट्री सिस्टम। थार रॉक्स के अंदर में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन तो देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर हम इस कार को ओपन करना तो ये हमें कार की के थ्रू ही करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर बटन देखने के लिए नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हमें ट्रूली कीलेस एंट्री सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता है। थार रॉक्स के अंदर हमें आउटसाइड में रिक्वेस्ट सेंसर बटन देखने के लिए मिलना चाहिए था, जिससे कि यहाँ पर हमें ट्रू कीलेस एंट्री सिस्टम देखने के लिए मिलता। सेकंड मिस्टेक की बात करूं तो टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्ट। थार के अंदर जो स्टीयरिंग व्हील लिया जाता है उसको हम टिल्ट के अकॉर्डिंग तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम टेलीस्कोपिकली एडजस्ट नहीं कर सकते। इस कार के अंदर हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने के लिए मिलती है, जो कि एक लाइफस्टाइल व्हीकल के अंदर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। इस फीचर की जगह हमें टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्ट देखने के लिए मिलना चाहिए था, जिससे कि इसकी जो ड्राइवेबिलिटी है वो और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें तो होगी फ्लैट फोल्डिंग रियर सीट। इस कार की जो रियर सीट है इसके अंदर में 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग फंक्शन तो देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये पूरी की पूरी फ्लैट फोल्ड नहीं होती। जैसे कि स्कॉर्पियन की थर्ड रो के अंदर भी हमें यही सेम मिस्टेक देखने के लिए मिलती है कि इसकी जो सीट्स है वो पूरी तरह फ्लैट फोल्ड नहीं होती। तो यहाँ पर इसका जो बूट फ्लोर है और जो इसकी सीट है इसके अंदर में काफी ज्यादा गैप देखने के लिए मिलता है, जिससे कि इस कार की लगेज लोडिंग प्रैक्टिकलिटी के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ देखें तो होगी डार्क इंटीरियर कलर ऑप्शन। इस कार के अंदर में ड्यूल टोन इंटीरियर देखने के लिए मिलता है, जो कि ब्लैक एंड बेज, और क्योंकि एक लाइफस्टाइल ऑफरोड व्हीकल है तो जो लाइट कलर के इंटीरियर्स हैं काफी ज्यादा डर्टी हो सकते हैं। यहाँ पर हमें एक ऑल ब्लैक इंटीरियर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलना चाहिए था। बाकी लास्ट मिस्टेक की तरफ देखें तो होगी बेस फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट। इस कार के अंदर में जो 4x4 देखने के लिए मिलता है वो हमें इसके मिड वेरिएंट MX5 डीजल ऑटोमेटिक के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक होगी कि इसके बेस वेरिएंट के अंदर में कोई भी 4x4 का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी ये जो MX5 वेरिएंट है जिसके अंदर में 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, उसका एक्चुअल प्राइस अभी महिंद्रा ने अनाउंस नहीं करा है, लेकिन ये हो सकता है अप्रॉक्स 19 लाख रुपीज। तो थार रॉक्स के अंदर जो 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट का बेस वेरिएंट होगा उसका एक्शन वाइज अप्रॉक्सिमेटली हो सकता है 19 लाख रुपीज। वैसे तो इस कार के अंदर में ये 5 मिस्टेक्स ही देखने के लिए मिलती है, लेकिन इस कार की सीट्स के अंदर में बड़ी कमी देखने के लिए मिलती है। इस कार की जो फ्रंट सीट्स है इसके अंदर में काफी ज्यादा कम अंडर थाई सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, और इसी का जो सेकंड रो है इसके अंदर में लेग रूम का भी काफी ज्यादा कमी देखने के लिए मिलती है। तो इस कार के अंदर में ज्यादा बढ़िया स्पेस देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी अब थार के एक्शन प्राइसेस की बात करें तो वो शुरू होता है 12.99 लाख रुपीज से, जो कि टॉप मॉडल जाता है 20.49 लाख रुपीज तक। यही सभी प्राइस अभी तक महिंद्रा ने अनाउंस करे, कुछ वेरिएंट्स के प्राइस हमें अपकमिंग डेट्स के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय।